So hi everyone, this is me Saeed Suhail and I am back again with another amazing and beautiful vlog. तो आज का जो vlog है वो काफी ज्यादा interesting और informative होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं डूरू शाहबाद जहाँ पे रसूल मीर और मोहम्मद गामी साहब जैसे शायर पैदा हुए हैं और आज हम दिखाएंगे आपको वो वाली जगहें और साथ साथ में जो डूरू शाहबाद में कुछ जियारत है वहाँ पे भी हम जाएंगे और आपको जरूर दिखाएंगे. एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस डोंट नो एनीथिंग अबाउट डूरू शाहबाद. तो व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारा जो डूरू शाहबाद है वो किन चीजों के लिए फेमस है. तो ऐसे भी लोग मैंने देखे जो कि डूरू शाहबाद में ही रहते हैं और मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे कुछ बता दीजिए इस वाली जगह के रिलेटेड. तो उनका जवाब होता है कि मुझे नहीं पता है ये सब. तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए. तो अगर आप भी आना चाहते हैं डूरू शाहबाद और इन वाली जगहों पे आप जाना चाहते हैं तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये कुछ 20 या 25 किलोमीटर दूरी पे वाका है. डूरू शाहबाद जो जगह है ये एक हिस्टोरिकल टाउन है कश्मीर में जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है. डूरू शाहबाद की जमीन ने बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स और बहुत सारे ऐसे मशहूर पोइट्स को जन्म दिया है जो कि दुनिया भर में अपनी शायरी के लिए मशहूर है. तो अभी हम पहुंच चुके हैं डूरू शाहबाद और ये डूरू शाहबाद का मेन मार्केट है. तो डूरू शाहबाद में काफी सारी श्राइन्स भी है तो उनमें से एक दो जगहों पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे. पहले हम जाते हैं मोहम्मद गामी पार्क, वहाँ पे बात करेंगे मोहम्मद गामी साहब के रिलेटेड. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोहम्मद गामी पार्क. हम अंदर जाएंगे और फिर बात करेंगे मोहम्मद गामी साहब के रिलेटेड. The land of Duru Shahabad is the land of excellence, the land of poets and the land of religious scholars. So, अभी जिस जगह पे मैं हूँ इसे कहते हैं मोहम्मद गामी पार्क. अब जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे है मोहम्मद गामी पार्क और ये जगह कौन सी है कश्मीर में. तो ये जगह है डूरू शाहबाद की जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है. तो अब अगर मैं बात करूं मोहम्मद गामी साहब के रिलेटेड तो मोहम्मद गामी साहब एक आला दर्जे के सूफी शायर थे जो कि अपनी शायरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे. इनकी जो शायरी थी वो मेनली कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई थी और ये एक आशिक रसूल भी थे. इन्होंने काफ़ी सारे नाच भी लिखे हैं. मोहम्मद गामी साहब यम जन जमित अड वद यन वन नाव मोहम्मद आबाद वनकन अथ जगह पे मोहम्मद आबाद यन वन नाव तो अत कर मोहम्मद गामी साहबस रिलेटेड या जगह पे वे मे शायरी पे याद यो मोहम्मद गामी साहबन लिचम आ मोहम्मद गदा सदा बोजुम मदन वारो गस्त बूजित पासे खुदा मर मंदे मदन वारो करसा मोन न्याय अंदे मर मंदे मदन वारो यो जन ये लिखाई ये ज्यादा डीप मीनिंग यी खाली तम समझ इन जन अत सबस्तगी मोहम्मद गामी साहब यम जन आशिक रसूल तो यमो कह नाथ लिखमित यम जन ज्यादा खूबसूरत तमो मे नाथ पे याद यमु जन कलम यम कस्म कि महरबा गस्त बमन या मोहम्मद बो वंद सर कदमन या मोहम्मद महरबा गस्त बमन या मोहम्मद बो वंद सर कदमन या मोहम्मद. तो यहाँ पे इनकी याद में एक खूबसूरत पार्क भी बनाई गई है तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. Thank you.
तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाएंगे रसूल मीर पार्क, फिर हम बात करेंगे रसूल मीर साहब के रिलेटेड। तो अभी मैं आया हूँ रसूल मीर पार्क, और रसूल मीर साहब जो थे वो कश्मीर के एक बहुत बड़े शायर थे जो कि दुनिया भर में अपनी शायरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। वनस यहाँ जगह पे आमुत यहाँ रसूल मीर पार्क, तो रसूल मीर साहब डूरू शहबाद डूरू शहबाद आमित दफन कर जगह पे मे याद पे रसूल मीर साहब शायरी जन डूरू शहबाद रिलेटेड तमो लिच रसूल मीर शहबाद डूरे तम त्रोमुत अशकुक दुकान ये वो आशको चेव टूरे टूरे मे मूरे ललवन नार। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट रसूल मीर, रसूल मीर वाज वन ऑफ द लीडिंग रोमांटिक पोइट्स ऑफ कश्मीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू यू नो एनीथिंग अबाउट जॉन कीट्स? जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश पोइट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। एंड डू यू नो हु वाज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? रसूल मीर वाज नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। हु वाज बॉर्न एट डूरू शहबाद। गच्छ वेसिए लाल चुन दूरे मे छुमुरे ललवुनार ये छु रसूल मीर शहबाद डूरे तम छु त्रोमुत अश्क दुकान ये वो आशको चे वो टूरे टूरे मे छुमुरे ललवुनार। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है खानकाह फैज़पना, जियारत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन की थी वो की थी हजरत मीर मोहम्मद हमदानी, जो कि बेटे थे मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के। तो इस जियारत का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूंगा, आपको पसंद जरूर आएगा। जाए जाए बलो शाही
है जियारत शाह मोहम्मद आजम साहब, जो कि डूरू शाहबाद में ही एक जियारत है। Before ending this vlog, I wanna say something. There was a time when the legend people of Duru Shahbad were using pen and paper to enhance the beauty of Duru Shahbad. Not only to enhance the beauty of Duru Shahbad, but to enhance the beauty of whole Shahbad area. With the current generation, we are also using the papers, but only to inhale drugs. With the current generation have destroyed the image of Duru Shahbad. Not only the image of Duru Shahbad, but we have destroyed the whole image of Shahbad area by using drugs. The land of Duru Shahbad was famous for its excellence. But nowadays the land of Shahbad area is only famous for the drugs. Ek zamana wo tha jab Duru Shahbad famous tha aisi shakhsiyat ke liye jinhone duniya bhar mein apna naam roshan kiya tha. Hum bhi Duru Shahbad ka naam roshan kar rahe hain, magar sirf nashe ke maidan mein. तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही काफी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना।